नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बिहार के झंझारपुर सीट पर पहले गुलाब यादव को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी ने सुमन महासेठ को टिकट दे दिया है। इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। उन्हें टिकट क्यों दिया गया, जदयू ने खुलकर इसके बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने राजद को भी घेरा है। जदयू ने राजद के टिकट वितरण पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सोमवार को कहा कि पार्टी धन के आगे पिछड़ा और अति पिछड़ा का हित भूल गई है। टिकट के बदले जमीन लिखवाने का इतिहास राजद के साथ काफी पहले से है। जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, अंजुम आरा और अरविंद निषाद ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही है। जदयू प्रवक्ताओं ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव बताएं कि झंझारपुर सीट पर पहले गुलाब यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन अचानक उनके नाम की चर्चा बंद क्यों हो गई। सुमन कुमार महासेठ को टिकट मिल गया, क्या यह सही नहीं है कि सुमन महासेठ ने टिकट के बदले ज्यादा धन दिया। तेजस्वी यादव यह बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि राजनीति उनके लिए सेवा भाव है या नहीं। गौरतलब है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने राजद के हिस्से की 3 सीटों गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी को वीआईपी को दे दिया है। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू होने के पूर्व से लगातार राजनीतिक दलों के साथ संपर्क बनाकर चल रहे थे। एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनी तो महागठबंधन के साथ उन्होंने बात शुरू की, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन रही थी। लेकिन अंततः राजद में सहनी की मांग पूरी हुई। तो जैसा कि आपने सुना, राजद नेता तेजस्वी यादव ने राजद के हिस्से के 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी को वीआईपी को दे दिया है। जी हां, मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू होने के पूर्व से लगातार राजनीतिक दलों के साथ संपर्क बनाकर चल रहे थे। बिहार के झंझारपुर सीट पर पहले गुलाब यादव को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन इस सीट से मुकेश सहनी की पार्टी ने सुमन महासेठ को टिकट दे दिया है। इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। उन्हें टिकट क्यों दिया गया, जदयू ने खुलकर इसके बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने राजद को भी घेरा है। जदयू ने राजद के टिकट वितरण पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सोमवार को कहा कि पार्टी धन के आगे पिछड़ा और अति पिछड़ा का हित भूल गई है। टिकट के बदले जमीन लिखवाने का इतिहास राजद के साथ काफी पहले से है। जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव, अंजुम आरा और अरविंद निषाद ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही है। जदयू प्रवक्ताओं ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव बताएं कि झंझारपुर सीट पर पहले गुलाब यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन अचानक उनके नाम की चर्चा बंद क्यों हो गई। सुमन कुमार महासेठ को टिकट मिल गया, क्या यह सही नहीं है कि सुमन महासेठ ने टिकट के बदले ज्यादा धन दिया। तेजस्वी यादव यह बताए कि क्या यह सच नहीं है कि राजनीति उनके लिए सेवा भाव है या नहीं। गौरतलब है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने राजद के हिस्से की 3 सीटों गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी को वीआईपी को दे दिया है। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू होने के पूर्व से लगातार राजनीतिक दलों के साथ संपर्क बनाकर चल रहे थे। एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनी तो महागठबंधन के साथ उन्होंने बात शुरू की, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन रही थी। लेकिन अंततः राजद में सहनी की मांग पूरी हुई। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।